दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस वीडियो सीरीज में। काफी दिनों बाद मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और होप मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो पसंद करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने कोर्स किसी भी तरह के नैलिट की तरफ से कराए जाने वाले कोर्स का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। आप ट्रिपल सी का कोई भी सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई किया है, एग्जाम दिए हैं, वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे अगर आप उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं तो। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं शुक्ला क्लासेस नाम से, या फिर आप यूट्यूब पे यूआरएल डाल सकते हैं www.youtube.com/शुक्ला क्लासेस, और मैं यहाँ पे आपको मिल जाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि किसी भी तरह के नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए, और उसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको किसी भी तरह का वीडियो आने पर अपडेट मिल जाया करेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो माता रानी आपको पाप लगाएगी। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपने ट्रिपल सी का एग्जाम दिया है, ओ लेवल, ए लेवल या इनमें से किसी भी चीज का एग्जाम दिया है, और आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें। काफी सारी कंफ्यूजन है, आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, आप ईमेल आईडी नहीं गेट कर पा रहे हैं, अपनी फोन आईडी नहीं आपको मिल पा रही है। तो बेसिकली हम ये करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपको एक वेबसाइट खोलनी होती है, www.student.nalit.gov.in। ये वेबसाइट है नैलिट गवर्नमेंट की, जिसमें आप अपनी नैलिट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड सारी इंक्वायरी कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी ये वेबसाइट का यूआरएल आपके पास ना हो तो आप, मैं इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपसे गूगल से सर्च कर सकते हैं। गूगल पे बस आपको स्टूडेंट नैलिट टाइप करना है, वो अपने आप आ जाएगा, उसका लिंक आ जाएगा, उसमें आप student.nalit.in ओपन कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन से आपके, कई बार ये साइट बिजी होती है, कई बार इसमें जो एक्सेस है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, तो आपको इसको खोलने के लिए कुछ समय वेट करना पड़ सकता है। तो अभी फिलहाल मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ जब तक ये खुल जाती है। तो बेसिकली student.nalit.in खोलने के बाद आपको इस तरह का एक पेज मिलता है, और इस पेज पर आप अपने स्टूडेंट आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, अपनी डिटेल देख सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम आपने दिए हैं उनके रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। यहीं पर नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड सर्टिफिकेट का, आप इसमें क्लिक कर देंगे। बट अभी ये जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं हो पा रही है किसी एरर की वजह से। माइट बी पॉसिबल आप जिस ब्राउजर में यूज कर रहे हैं उस ब्राउजर में शायद ये सपोर्ट नहीं कर रही, या एडोब रीडर की वजह से। तो मैं इसको किसी दूसरे ब्राउजर में खोलने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए मैं कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो बेसिकली जब आप किसी भी दूसरे ब्राउजर में अपना सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज खुलेगा, और अगर ना खुले तो वो आपको एडोब फ्लैश प्लेयर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। इस बार मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोला है, तो अगर आपको एडोब रीडर डाउनलोड करने के लिए कह रहा है तो आप क्या करें, उसे डाउनलोड कर लें ताकि ये साइट अच्छे से खुल सके। अब इस साइट से आप रेगुलर टाइप के किसी भी कोर्स, ट्रिपल सी, बीसीसी या एनडीएलएम, ये सारे ओ लेवल, ए लेवल, ये सारे कोर्स आप कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं उनके सभी के सर्टिफिकेट्स। तो आप यहाँ पर रेगुलर पे क्लिक करके और अपना कोर्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। अभी सपोज मैं ट्रिपल सी या मान लीजिए ओ लेवल, मान लीजिए मैंने अभी फिलहाल में ओ लेवल का एग्जाम दिया था, मेरे पास किसी स्टूडेंट की आईडी है, तो मैं उससे ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। आप जिस तरह से ओ लेवल का निकाल सकते हैं, सेम उसी तरह आप ट्रिपल सी का भी निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपके पास आपका इनरोलमेंट नंबर ज़रूर होगा। इनरोलमेंट नंबर आपके पास जो है वो आप इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। तो जो भी आपका इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें, 987824, सपोज मेरा ये इनरोलमेंट नंबर है। और बेसिकली आप कोई भी सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही डाउनलोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार डाउनलोड नहीं कर सकते। फिर एक जो सबसे ज़रूरी और रिक्वायर्ड फील्ड है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ इस वीडियो में नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। आपको सबसे पहले डेट डालनी है, फिर मंथ डालने हैं, यानी कि अब सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 10 जनवरी 2000 है, तो आप इसी तरह से ये डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इसके फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। इन केस अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक नाइलेट ने अपलोड नहीं किया है तो फिर वो डेट ऑफ बर्थ गलत बताने का या रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बताने का मैसेज दे सकता है। तो कुछ समय वेट करिए, 1 महीना 1.5 महीना, और उसके बाद फिर आप ट्राई करिए। फिलहाल मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और मैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं आपको शो नहीं। तो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको एक कैप्चर इमेज मिलेगी, आप उसको, जो भी इमेज में आपको कोड वर्ड दिख रहा है उसे आप टाइप कर देंगे, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का आप इसमें ख्याल रखेंगे। और ये मैंने करेक्टली टाइप कर दिया है, YMSVM, M कैपिटल है।
आप इस पे सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये बटन एक्टिव हो गए, तो इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। आप ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू अपना ओटीपी मंगवा सकते हैं। अब क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है, तो मैं ईमेल के थ्रू अपना ओटीपी मंगवाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी मेल आईडी टाइप कर दूंगा, rishishukla454@gmail.com। ये मैंने आईडी इसमें टाइप कर दी। इसके बाद या फ़ोन नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं। मेल आईडी टाइप करने के बाद आप पे यहाँ पर सबमिट का बटन दिखेगा, सेंड मेल का बटन दिखेगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। एक बार कंफर्म कर ले ये आपकी मेल आईडी ठीक है या नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आपका सर्टिफिकेट आया होगा तभी इन दो बटनों पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो नहीं आएगा। सेंड मेल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद आपको अपनी मेल आईडी चेक करनी है, और उसके लिए मैं अपना गूगल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जीमेल के अंदर ये ओटीपी अगर उसने मुझे सेंड कर दिया होगा सॉफ्टवेयर ने, तो मुझे मिल जाएगा। अभी फिलहाल इसके अंदर कोई ओटीपी नहीं है, लेकिन कुछ समय में ये ओटीपी आ जाएगा, तो तब तक के लिए हम वेट करते हैं। दोस्तों काफ़ी समय वेट करने के बावजूद भी अभी तक मेरे पास वो मेल नहीं आई है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। मैं इसे एक बार मोबाइल नंबर से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर ट्राई करने के बाद मुझे अभी तक मेल रिसीव नहीं हुई है। मैं इसे अब अपने मोबाइल नंबर से ट्राई कर रहा हूँ। आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ, अगर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है तो देन हम इसे आगे कैरी ऑन कर पाएंगे। ओके, कुछ समय वेट करने पर आपके पास ओटीपी आ जाएगा। फ्रेंड मेरे पास ओटीपी आ चुका है, 781537। ये ओटीपी मेरा जो आया है वो है 781537। तो जो ओटीपी आपको मिला है वो ओटीपी डाल देंगे आप, और इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, देन आपका सर्टिफिकेट ये आ जाएगा। इसे आप नीचे देख सकते हैं, मैं इसे आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन पे आप देखिए, ये मेरा इनरोलमेंट नंबर और जो भी है उससे रिलेटेड डिटेल आ गई है। ग्रेड सी आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उसे आप सेव कर लें, और सेव करने के बाद जैसे मैंने इसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव कर लिया सेव, तो अब आप इस पे इसे जाके डेस्कटॉप पे चेक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आपका ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही है, आप इसे A4 शीट पे इसका नॉर्मल कोई भी प्रिंट ले सकते हैं जिसमें आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपने कोर्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, किस तरह से इसे प्रोसेस को यूज़ करना है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है आप लोगों को ये वीडियो, तो दोस्तों प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सजेस्ट करें कि आगे आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। मैं